हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं, तो आप लोगों को आज कुछ नया दिखाते हैं। ये भी आज साथ में घूमने आया है दोस्त, और चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। और लोकेशन आज दिखाएंगे, आज कहीं और हम घूमने आए हैं। तो फ्रेंड, आज ये भी साथ में आया है घूमने के लिए, और चलिए हम आज का ब्लॉग दिखाते हैं। और हम लोग देखिए कहाँ घूमने आए हैं। ये देखिए, इधर नहर पे घूमने आए हैं। कितना पानी है नहर में, काफ़ी नहर भर चुका है पहले से बंद। तो फ्रेंड, आज हम लोग नया लोकेशन पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए। ये देख सकते हैं नहर में इतना पानी है, और इस समय काफ़ी गंदा नज़र आ रहा है पानी। और रात में इतनी बारिश हुई थी, उसी की वजह से ये पानी इतना गंदा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये नहर के ऊपर सड़क पर पानी लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हम आपको फ्रेंड कैमरे से दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए वीडियो बने रहिए। और ये देखिए कितना अच्छा लोकेशन लग रहा होगा, हरियाली हरियाली यहाँ पे बहुत ही काफ़ी है। और ये देखिए पानी, क्योंकि ये रास्ता ही बिल्कुल ख़राब हो चुका है, चलने के लायक भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा। और देख सकते हैं, और ये बनने वाला था यहाँ पर पीच, और इसका काम चल रहा था, तो इधर से खुदाई उदाई हुई थी जेसीबी से। ये मिट्टी रखी गई है यहाँ पर चारों तरफ देखिए, लेकिन तब तक बारिश हो गई तो उसी लिए इसका काम रुक गया, पेंडिंग में। अब बारिश बरसात के बाद ही चालू होगा इसका काम। आप देख सकते हैं ये पानी। तो चलिए दोस्त, और हम आज जाने वाले हैं काम करने के लिए, और काम करेंगे, कोई नया लोकेशन है आज, तो उस लोकेशन को हम आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाएंगे ब्लॉग में। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हम चलते हैं आज काम करने के लिए। तो वहाँ ब्लॉग शूट करके दिखाएँगे कौन सा काम करना है, कैसे होगा और क्या होगा और कितना बड़ा होगा एरिया, ये तो मालूम नहीं है। वैसे तो हम स्टील फीटर का ही काम करते हैं। तो गाइस चल के मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे साइड बांधने आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा साइड है, छोटा ही है, कोई खास बड़ा नहीं। वो तो वाला देख सकते हैं कौन सा कॉपर छोड़ के आधा इंच, और नीचे स्टील सीधा कर रहा है वो, देख सकते हैं। और अभी हम लोग काम चालू करेंगे, और इसके बाद ख़त्म होने के बाद पूरा काम फाइनल करके आप लोगों को दिखाते हैं ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग कैसे ही बने रहिए। और अभी हम नापी कर रहे हैं, और नापी के उसके बाद माल काटेंगे। तो गाय जी देख सकते हैं वो मोल्डिंग बना सामने, मॉडलिंग मोल्डिंग है, देख सकते हैं ये मॉडलिंग मोल्डिंग। और स्लेब को अभी हम बांधेंगे, और छड़ और पूरा गिरा बिछा के। तो चलिए ब्लॉक में छत बांधने के बाद हम दिखाते हैं कैसे बांधते हैं। हम लोगों ने ये छड़ बिछा दिया, और देखिए इतना बाकी है, और घर का पूरा हो चुका है, देख सकते हैं। हमने साइड पैनल कर दिया, और देख सकते हैं आप लोग पूरा कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, और फिर दूसरे साइड पे जाना है। तो फ्रेंड, हम लोग दूसरे साइड पे पहुंच चुके हैं, और ये देखिए ये साइड भी बहुत ही लंबा और काफ़ी चौड़ा है। तो अब इसका भी काम चालू करने वाले हैं, तो काम करेंगे और शाम तक फाइनल करके फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको कैसे काम किए हैं, और कैसे सब कुछ दिखाएँगे। तो वीडियो बने रही है। तो चलिए मैं तब तक के लिए वीडियो बंद करता हूँ, और काम करने चलता हूँ। अब कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, ये 1000 एरिया है, और आज हम इसको बांध के चले जाएंगे, क्योंकि एक साइड तो बांध कर आए हैं, ये दूसरा साइड है। तो ऐसे ऐसे हम दिन एक दिन में तो 2-3 साइड बांध ही देते हैं। और हम लोगों का एक ग्रुप चलता है, उसमें कभी 5 आदमी बस जाते हैं बांधने के लिए। तो चलिए बांधने के बारे में आपको वीडियो दिखाते हैं। देख सकते हैं ये मोल्डिंग बना है, मोल्डिंग जो छत के आगे डिजाइन होता है वही डिजाइन है ये, और इसी को बनाते हैं। तो लोग देखते हैं छतों में बहुत काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिखाई देता है, तो यही इसको बोलते हैं मोल्डिंग। आप देख सकते हैं